चले नेक्स्ट पे आते हैं। क्या करा ध्यान से कि द डायमेंशन ऑफ यू नॉट स्क्वायर नॉट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, ये देखिए दो चीजें हैं, आप क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर और एक दूसरा पढ़ते हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर पढ़ते हैं और दोनों उठाते हैं, एक शुरुआत करता है एक मीडियम पार्ट का दोनों का प्रोडक्ट करके हाफ करते हैं। तो आप पढ़े हैं इसका आप कह रहे कि डायमेंशन इसमें से कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इन दोनों का जो रिलेशन आता था आप लोग पढ़ रहे थे, आप लोग को याद होगा कि म्यू जीरो एंड स्पाइरल नॉट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या था, वन बाई द क्या ये जो लाइट है ना उसके स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे सीधे स्क्वायर पे बल होता है, जब ये यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हो वन के स्क्वायर और सी का स्क्वायर तो स्क्वायर टाइम क्या देगा रूट में आएगा, रूट में ये रिलेशन होता है। तो सोचिए ये पावर हाफ लगा रखा है यानी इसको करने का मतलब क्या हुआ, इसको पहले रेसिप्रोकल कर दिया होगा वन बाई म्यू नॉट और या स्क्वायर नॉट ऐसे हो गया इक्वल टू सी आई सी, इसको हटाएंगे आप तो पावर में क्या लगाने का सेंस है टू द पावर आई सी को जब ऊपर पूरे फंक्शन को लेकर जाया जाता है तो म्यू नॉट स्क्वायर नॉट ये पावर क्या लगाते हैं हाँ और ये किसके इक्वल टू है सी, एंड व्हाट इज द सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में आप देख पाते हो क्या भाई डिस्टेंस अपन टाइम पता मीटर पर सेकेंड, तो क्या मीटर को किस में लिखते हैं आप ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड हाँ 3 × 10⁻⁸ आपका 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे मीटर को यह लिख दीजिए लाइट की लिख दीजिए यानी कितना है यार टी पावर माइनस वन, तो आप समझे हो जाएगा इस तरह से। अदरवाइज आप ये नहीं जानते हो ये दोनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक का जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इसमें मैग्नेटिक में दोनों का जो रिलेशन आपका लाइट ऑफ स्क्वायर होता है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ स्क्वायर होता है, तो नहीं जानते हैं तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए क्या करना है, सबसे पहले आप इस पहला मामला की पढ़ते हैं तो क्या आता है 1/4πε₀r² आपके स्क्वायर निकालना है बाकी से डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε हो जाएगा q²r² राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें जो है आप d इक्वल टू पढ़ते हैं μ₀/4πε फिर क्या होता है आई दे लिया तो आई क्या आया साइन थीटा कौन आर स्क्वायर आपको म्यू निकालना है, म्यू निकालना है तो इन सभी से मल्टीप्लाई आर उन दोनों से डिवाइड कर लीजिए ये क्या निकल के आ रहा है तो म्यू इक्वल टू आप देख पाएंगे क्या आएगा आर स्क्वायर स्पाइरल को हमने निकाला आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, यह बचा है बी बचा है और राइट वगैरह बचा। अब बी का फॉर्मूला भी होता है यहाँ से, या पढ़े हो तो नॉलेज भी होगा कि बी आई एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ होता है एफ बी आई एफ। तो बताइए बी फाइंड आउट करेंगे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जनरली आप दिमाग लगाओगे यहाँ पे क्या लिख पाओगे यहाँ पे, ये चलो समझेंगे इस बार आइस वाली है आइस पर और बी और आई डेल्टा कितना है, तो क्या करना है पे भाई लेंथ है कितना है, तो यहाँ पर आप एफ कितना लिखेंगे मतलब एफ बचा है एफ। तो देखिए ई स्क्वायर बी की जगह क्या आ जाएगा आपका एफ बाई आई एफ और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे एफ आई होगा होगा, ठीक है। तब देखिए ये जो है ये दोनों के ऊपर है और ये आपका नीचे है, जिसके नीचे कुछ नहीं देखा ऐसे लड़ जाएगा तो पूरा काटिए कितना आएगा, यानी आपका ये ई स्क्वायर हो गया एफ हो गया आई एल हो गया, ठीक है बाई आई एल आई एल ऐसे लड़ दीजिए वन अपान एफ आई एफ एफ से एफ कैंसिल राइट, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे यहाँ पर तो ई स्क्वायर और यहाँ पर आई स्क्वायर और यहाँ पे एल स्क्वायर राइट, तो ई क्या है यहाँ पे आपका चार्ज है और आई क्या है आपका करंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आई डी पी होता ना, आई डी पी एट आई और यहाँ पे एल स्क्वायर राइट। तो देखिए आई स्क्वायर से आई आई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या टी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो यहाँ पे टी का ये ना और ये आपका एल हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर सब पे आप फिर इसी को ऊपर ले जाकर लिख दीजिए, तो क्या लिखा ये हमने दोनों का इंटू करके लिखा था। अच्छा ये किसमें पूछ रहा है रूट में कुछ रहा, वो भी इनवर्स के साथ मतलब इनवर्स है ना, मैंने इसको ऊपर इसको नीचे कर दीजिए यर टू आर टी पर आपका टू आर टू डी पर वा कितना आपका आप ये से कर गया कितना है यर टी पर माइनस वन वही से जाए ना, तो ये आपको बोर्डिंग के लिए एकदम तोड़ कर आपको ये जैसे सब मान लीजिए अरे हाँ इतना आता है दोनों तक के सी किस बार था लाइक आपके लॉट ऑफ ऑप्शन, बट आप जो है अपने माइंड पर यूज़ करना सीखें और जब यूज़ करेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या देखते रहते हैं क्वेश्चन पूछते रहते हैं और शुरू से अंत तक देखें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके डायमेंशन से रिलेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी सावधानियाँ करना चाहिए, सस्पेंशन क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग फाइव फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन, यानी इसमें से पांच ऐसे दिए गए हैं, आप उन पांचों में से किन्हीं दो का ऐसे देखना है जिनका सेम डायमेंशन हो। तो यहाँ ऑप्शन है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फाइव डिफरेंट सीरियल वाइज दिया हुआ है, इसमें से ये वाला सही कौन सा सही है, ठीक है। तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए, ठीक है, घबराना नहीं चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि इनर्जी डायमेंशन है, जितना दिया सबका आप डायमेंशन फार्मूला निकाल लीजिए। इनर्जी इनर्जी जो है डेंसिटी का हम लोग निकालते हैं, इनर्जी डेंसिटी में फॉर्मूला पता है आपका, तो ये जब डेंसिटी की बात कर रहा है इनर्जी डेंसिटी का, इसमें क्या होता है इनर्जी अपान कि वॉल्यूम उसकी हाउ मेनी गिवन दैट वॉल्यूम उसकी वॉल्यूम कितना दिया गया फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ई फॉर इनर्जी एंड वॉल्यूम, ठीक है। इनर्जी का आप डायमेंशन कर लीजिए वॉल्यूम कर दीजिए, तो इनर्जी का आप चाहे
वर्क का फाइंड आउट करो या एनर्जी का निकालो, क्योंकि इसका भी जरूरत है, एनर्जी का भी जरूरत है। तो सपोज क्या होता था यम एल पी माइनस टू आज पी एस की एल में आएगा डायरेक्टली राइट। वर्क का भी जू एनर्जी का भी जू, सो वर्क इक्वल टू हम इसमें डायमेंशन में पुट कर सकते हैं इक्वल। तो लिख दीजिए यम एल टू आर टी पर माइनस टू एंड दिस इज बॉलून। तो बॉलून का लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीन चीज़ें होते हैं। तो देखिए एल क्यूब हो जाएगा, तो वहाँ से कैसे कट जाएगा, तो बचा गया आपने यहाँ यम एल पर माइनस वन टी पर माइनस टू, ये हमारा क्या है एनर्जी डेंसिटी का निकल गया डायमेंशन। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी हम निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का निकालेंगे यानी मॉडल से मैग्नेटिक का निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक की बातें कर रहा है, तो ये डाइलेक्ट्रिक यानी कोई भी कॉन्स्टेंट का वह यूनिट होता ही नहीं है, जब यूनिट नहीं हो तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकाल लेंगे ठीक है, ये भी आपके लेंथ में जाएगा, लेंथ के लिए हो जाएगा सीधे। यंग मॉडुलस पे आप आते हैं, यंग मॉडुलस पे आते हैं, यंग मॉडुलस इक्वल टू वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका एफ वाई जे एल बाई डेल्टा एल, डेल्टा एल बाई एल यानी दैट मीन्स हाउ मेनी लेंथ लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ, कितने लेंथ में इंक्रीजिंग हुआ ऊपर और नीचे, हमारा ये बनता है फॉर्मूला ठीक है। तो बताइए ये आपका लिखते हैं यम एल टी माइनस टू, ये क्या आपका एल स्क्वायर, यहाँ से ये क्या लेल कैंसिल हो जाएगा और एल लेते भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन एल और इसका भी एल, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा राइट, ये कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया, इसको छोड़ देता हूँ, ये ऊपर जाए कितना जाएगा यम एल और माइनस वन टी पर माइनस टू, ये देखिए दोनों सेम दिखा है नहीं। यहाँ पे देखिए आज सस्पेंशन वाले क्वेश्चन में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑप्शनों भी देखते रहना चाहिए, नहीं तो ये वह क्या सभी लगा रहे हैं आई डू तो सॉल्व के उसी में ऑप्शन मिल गया, तो वाई आर वी गोइंग टू द अंडर नीचे जाने की आवश्यकता हो फिर वन को देख लेते हैं। तो देखिए ये कौन है पहला और ये कौन है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। तो पहला का सेम और यहाँ पे यंग मॉडुलस चौथा का सेम मैच कर रहा है, देखिए डायमेंशन सेम मैच कर रहा है, तभी आपके दिमाग का ये कौन सा इसमें कौन ऑप्शन दिख रहा है सी वाला, वहीं हो गया बस, बाकी अभी जो है मैग्नेटिक का भी कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यही मिल गया। लेकिन आपको जो है पेपर में ये आंसर दे देते नहीं इतना मैग्नेटिक का देख लो ना, अब आगे बढ़ जाइए ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ मैग्नेटिक का भी आप फाइंड आउट करोगे एफ इक्वल टू क्या था क्यू बी वी साइन लिखा, साइन को छोड़ देते हैं 90 डिग्री पे, तो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बी की बात देखी जाए इसे डिवाइड कर दीजिए तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ मैं जाए पी माइनस टू और पे आई टी टी हाँ ए टी आई वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को यल हो जाएगा अपॉन टी इक्वल टू आपका बी, तो टी से टी कैंसिल वन एल से वन एल कैंसिल, तो यम टी पर माइनस टू आई के पावर माइनस वन। तो करा करो दो यूनिट होना चाहिए एक साथ विच टू ऑफ द फॉलोइंग फाइव फिजिकल पैरामीटर और हैव द सेम डायमेंशन, हैव द सेम डायमेंशन मिल ही दे रहा है ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंथ वाले मान जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टिविटी कॉन्स्टेंट हो जाएगा उसको छोड़ देंगे यानी सिंपल सा आदमी का कितना जाएगा, बस यही चीज़ें हैं कि आप पहला और चौथा मान रहे हैं हमारा आंसर हो गया ठीक है। तो इस तरह के सस्पेंशन क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बट आप जब पढ़े जी So you guys subscribe to the channel. So thank you. Not for you.